नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं सीएसएमई न्यूज। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय का लाइफ साइंस विभाग समाज में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने और लाइफ साइंस के क्षेत्र में समर्पित वैज्ञानिक देने के लिए प्रतिबद्ध है। लाइफ साइंस विभाग विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की प्रेरणा से अपने सामाजिक सरोकारों को पूरा करने के लिए भी ग्रामीणों को शिक्षित करने, जेनेटिक्स और मॉलिक्यूल के क्षेत्र में नई पहल और प्रयोग भी कर रहा है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और अनुसंधान विकास कार्यक्रम के तहत जीवन विज्ञान विभाग की स्थापना 1983 में की गई थी। लाइफ साइंस विभाग आगामी सत्र से समाज और देश के लिए उपयोगी रोजगार परक कई नए कोर्सेज भी शुरू कर रहा है। लाइफ साइंस विभाग और क्या कुछ नया करने जा रहा है, इस बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं लाइफ साइंस के डीन फैकल्टी और प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर कुमार अवस्थी जी। उनसे खास बात की है सीएसजेएमयू न्यूज संवाददाता शुभा सिंह ने। नमस्कार, मैं शुभा सिंह, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर और डीन फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी जी से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। थैंक यू सर। लाइफ साइंस में जो कोर्सेज चल रहे हैं, इस डिपार्टमेंट में जो कोर्सेज चल रहे हैं सर, उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हमारे यहाँ लाइफ साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी का जो विभाग है, ये काफ़ी पुराना विभाग है और विश्वविद्यालय के सबसे पुराने विभागों में से एक विभाग है। यहाँ पर MSc लाइफ साइंसेज कोर्स चल रहा है, MSc बायोटेक्नोलॉजी कोर्स चल रहा है, MSc माइक्रोबायोलॉजी, MSc एनवायरमेंटल साइंस, इसके अलावा BSc लाइफ साइंसेज का कोर्स हम लोगों ने पिछले वर्ष लॉन्च किया था। इस वर्ष हम ये सोच रहे हैं कि कुछ नए कोर्सेज इस फैकल्टी में लागू किए जाएं, जिनका जनमानस में और समाज में बहुत ज़्यादा उपयोग है। ऐसे कोर्सेज को हम लोग कुलपति जी की प्रेरणा से इस वर्ष लागू करने की योजना बना रहे हैं। तो जो कोर्सेज चल रहे हैं उनसे करंट सिनेरियो में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं छात्र छात्राओं के लिए? हम लोगों ने कुछ ऐसे कोर्स लॉन्च किए हैं जो समाज के लिए और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। MSc बायोकेमिस्ट्री, MSc बायोटेक्नोलॉजी और MSc लाइफ साइंसेस के छात्र हमारे यहाँ दुनिया भर में, पूरे विश्व में, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगहों पर फैले हुए हैं और वो रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के बायोटेक्नोलॉजी के छात्र, माइक्रोबायोलॉजी के छात्र और लाइफ साइंसेस के छात्र हर जगह इन क्षेत्रों में आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं और कुछ बायोटेक कंपनी जो वैक्सीन को लॉन्च कर रही हैं, उन प्रयोगों में, उन प्रोजेक्ट्स में भी वो अपना योगदान दे रहे हैं। सर, नए कौन से कोर्सेज हैं जो अब इस सत्र से या फिर अगले सत्र से आप लॉन्च करने वाले हैं? अगले सत्र से हम लोगों ने सोचा है कि कुछ ऐसे कोर्सेज को प्रारंभ किया जाए जिनकी रोजगार के क्षेत्र में ज़्यादा धमक है इस समय। तो हम लोगों ने सोचा है कि MSc बायोमेडिकल साइंस, MSc फॉरेंसिक साइंस को स्पेशल रूप से लॉन्च किया जाए, जिससे हमारे बच्चे इन क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। इसके अलावा हम लोग सोच रहे हैं कि एनवायरमेंटल साइंस को एक नए प्रारूप में प्रारंभ किया जाए, जिससे हमारी क्लाइमेट साइंस और ग्रीन केमिस्ट्री, जिसको पर्यावरण के हिसाब से अनुकूलित केमिस्ट्री जिसको कहते हैं, उस वातावरण में हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री और क्लाइमेट साइंस को विशेष थ्रस्ट एरिया बनाते हुए MSc एनवायरमेंटल साइंस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम MSc बायोकेमिस्ट्री कोर्स को भी एक नए स्ट्रक्चर में ढालना चाहते हैं, जिससे हमारे आसपास के एरिया में जो हैवी मेटल्स की समस्या चल रही है, उस हैवी मेटल्स की समस्या से जो बीमारियां पैदा हो रही हैं उन पर भी रिसर्च करने के लिए हमारे पास कुछ फैकल्टी मौजूद है जो इस पर रिसर्च करेगी। हमने कैंसर को भी इस अपने थ्रस्ट एरिया में, रिसर्च एरिया में शामिल कर रखा है। हमारे यहाँ दो ऐसे साइंटिस्ट अभी रिक्रूट हुए हैं, नई फैकल्टी के रूप में आए हैं, जो विशेष रूप से कैंसर पर ही काम करते हैं। कुछ विशेष प्रकार के मेडिसिनल प्लांट्स, उनका कैंसर सेल्स पर क्या इफेक्ट है और कैंसर सेल्स में किस तरह की ड्रग्स जो हैं उनको दिया जाना चाहिए, इस पर वो शोध कर रहे हैं। सर, जैसे कि विश्वविद्यालय के कुलपति जी का भी कहना है
कि एकेडमिक्स के साथ साथ हमें समाज कार्यों से भी जुड़े रहना चाहिए? कि हम लोग समाज से तो बहुत कुछ लेते हैं और ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, अनुसंधान भी करते हैं, नौकरी भी प्राप्त करते हैं, लेकिन हमें समाज को कुछ वापस भी देना होता है। और समाज को वापस देने के लिए, इस सेवा भाव को प्रेरित करने के लिए हमने ये सोचा है कि NSS के माध्यम से हम समाज की सेवा करें। सर, यहाँ के एलुमनाइज के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए कि यहाँ से पास आउट हुए छात्र छात्राएं कहाँ कहाँ अपॉइंट हैं। हमारे यहाँ से उत्तीर्ण हुए छात्र समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं और उन्होंने कैरियर के अपने ऊंचाइयों पर पहुंचकर इस विश्वविद्यालय का नाम और इस विभाग का नाम रोशन किया है। एक लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर हमारे 3 छात्र विशिष्ट वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। साइंटिस्ट ई भी वो बन चुके हैं, उनमें से 2 प्रिंसिपल साइंटिस्ट भी बन चुके हैं। ITRC में इसी प्रकार से हमारे विभाग के ही कई लोग जो है साइंटिस्ट बन चुके हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ के लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। एक IIT दिल्ली में प्रोफेसर हैं, वो यहीं की एलुमनाई हैं। इसके अलावा अलगप्पा यूनिवर्सिटी में यहाँ के प्रोफेसर काम कर रहे हैं, हमारे विभाग से निकले हुए लोग हैं। BHU में यहाँ के गए लोग जो है प्रोफेसर बन चुके हैं। और रिसर्च की जहाँ तक बात की जाए तो शायद विश्वविद्यालय के लिए ये सबसे गर्व का विषय होगा कि यहाँ के निकले हुए एलुमनाई हमारे देश विदेश में छाए हुए हैं। एक सिनसिनाटी में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है US में, जहाँ पर हमारे यहाँ के छात्र कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, कई जगह पर वो रिसर्च में संलग्न हैं और इस विभाग की शोभा और इसकी ख्याति को बढ़ा रहे हैं। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। विश्वविद्यालय की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CSJ News।